नमस्कार, दोपहर दमदार आप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ शुभांगी सिंह मिश्रा। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। दिल्ली से बड़ी खबर मिल रही है, जहां देश का नाम इंडिया से भारत करने का प्रस्ताव लाया गया है। केंद्र सरकार ये प्रस्ताव ला सकती है। बता दें कि स्पेशल सेशन में इस प्रस्ताव को लाया जा सकता है। इससे पहले भी आप देखिए, इंडिया का नाम भारत करने को लेकर पहले भी कई नेताओं ने अपना पक्ष रखा था, और अब ऐसे में ये बात सामने आई है कि जल्द ही केंद्र सरकार ये प्रस्ताव ला सकती है। स्पेशल सेशन में इस प्रस्ताव को लाया जा सकता है, यानी हमारे देश का नाम इंडिया से भारत करने का प्रस्ताव ये जल्द से जल्द लाया जा सकता है। चलिए इस खबर पर हमारे साथ संवाददाता अनूप गुप्ता फोन लाइन पर जुड़ गए हैं दिल्ली से, उनका रुख कर लेते हैं। अनूप, लगातार इस पर डिबेट होती नजर आ रही है कि आखिर भारत का नाम भारत ही रहने दिया जाए, इंडिया जो कि अंग्रेजों के टाइम से चला आ रहा है, इस नाम को खत्म किया जाए, और अब देखा जा रहा है कि जल्द ही केंद्र सरकार भी ऐसा प्रस्ताव ला सकती है। अनूप, आप तक आवाज पहुंच रही है मेरी? बिल्कुल आवाज आ रही है। देखिए, जो आने वाले वक्त में जो स्पेशल सेशन केंद्र सरकार ने बुलाया है, उसमें एक बड़ा फैसला केंद्र सरकार की तरफ से लिया जाना है। जो सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है, उसके मुताबिक अमृत काल में भारत सरकार गुलामी की सारी जो प्रतीक है उससे देश को इजाद दिलाना चाहती है, और इसी क्रम में जो इंडिया नाम है, जो अभी देश का नाम इंडिया है, संभावना है कि इस पर सरकार के तरफ से प्रस्ताव लाई जाएगी और इंडिया के नाम को चेंज करके भारत कर दिया जाएगा। देखिए, लगातार इस बात को कहा जाता है कि जो इंडिया नाम है वो ब्रिटिश सरकार के द्वारा दी गई नाम है, कहीं ना कहीं इस नाम से भारतीयता की झलक नहीं मिलती है। तो ऐसे में भारत का नाम, मतलब इंडिया का नाम बदलकर भारत कर दिया जाए, इसकी संभावना ज्यादा, और इस पर सरकार प्रस्ताव लाएगी और उस पर डिस्कशन करा करके इसको पास कराया जाएगा। तो एक बड़ा फैसला कह सकते हैं कि ये केंद्र सरकार की तरफ से ली जानी है। जी बिल्कुल अनूप, ये एक सवाल ये भी यहाँ पर बनता है कि देखिए, ज्यादातर हमने देखा है संविधान की बात की जाए या कुछ ऐसे ग्रंथों की बात की जाए, ज्यादातर जगहों पर चूंकि अंग्रेजों ने ये नाम हमें दिया था तो यही नाम अंकित है। ऐसे में संविधान से इंडिया हटाकर भारत करना एक बहुत बड़ी चुनौती होगी, और इस पर सबकी सहमति भी बन जाए ये भी बड़ी बात होगी। देखिए, बहुत बड़ी चुनौती नहीं है। आपको आपको बता दूं कि राजपथ का नाम बदल करके कर्तव्य पथ कुछ दिन पहले ही रखा गया था। देखिए, बहुत बड़ी पहचान थी, इंडिया गेट से राष्ट्रपति भवन तक का जो मार्ग जाता है उसको राजपथ कहते थे और उसको कर्तव्य पथ रखा गया था। उस वक्त भी केंद्र सरकार की तरफ से यही कहा गया था कि जो भी नाम ब्रिटिश सरकार या दूसरे देशों की तरफ से दिए गए थे उसके प्रतीकों के नाम को हम चेंज करना चाहते हैं, बदलना चाहते हैं, इसमें कहीं ना कहीं भारतीयता का फूट चाहते हैं। और यही वजह है कि आप देखेंगे जो प्रहलाद जोशी जो कि संसदीय कार्य मंत्री है, उन्होंने जब ट्वीट किया था और उसकी जानकारी स्पेशल सेशन की दी थी, तो उसने साफ तौर से कहा था कि अमृत काल पर एक विशेष सत्र का आयोजन केंद्र सरकार करने जा रही है। अमृत काल इससे बेहतर क्या हो सकता है, जब गुलामी मानसिकता के प्रतीकों को बदलकर भारतीयता प्रतीकों को लाया जाए। ये बड़ा डिसीजन कह सकते हैं केंद्र की तरफ से लिया जा सकता है। देखिए, अभी सूत्रों के हवाले से खबर है कि इंडिया का नाम जो है वो भारत कर दिया जाएगा। इसके अलावा जो संविधान की प्रस्तावना है उस पर भी जो इंडिया जिक्र है उसको भी चेंज करने की बात कही जा रही है। इसके अलावा समग्रता में जहां जहां भी गुलामी के प्रतीक के चिन्ह या प्रतीक होंगे उसको भी बदलने का काम होगा। देखिए, ये पूरे 5 दिनों का। अनूप, एक सवाल यहाँ पर ये भी बनता है, देखिए जब से विपक्षी गठबंधन बना है और कभी भी कोई भी प्रस्ताव अगर सरकार लाती है तो विपक्ष उस पर हमलावर होता ही है। ये भी कहा जा रहा है कि देश का नाम इंडिया से भारत करने की अटकलों ने इसलिए ज्यादा जोर पकड़ा क्योंकि विपक्षी गठबंधन ने अपना नाम इंडिया रख लिया। नहीं, बिल्कुल, देखिए विपक्ष का काम जो है वो विरोध करना है, लेकिन लेकिन सत्ता पक्ष के पास इस पे मजबूत तर्क है।
क्योंकि आप ऐसा कैसे कह सकते हैं कि जो नाम अगर ब्रिटिश शासन के तरफ से दी गई नाम है उसको कंटिन्यू करने की बात अगर भारत अगर केंद्र सरकार अगर कुछ नया और उस पर भारतीयता लाना चाहती है तो उस पर फिर विपक्ष के को कैसा ऐतराज रहेगा? आखिर नाम चेंज करने का क्या अर्थ है? अब नाम के विरोध, नाम के चेंज का विरोध का अर्थ क्या है? तो ये तमाम चीजें हैं जिस पर कहीं ना कहीं विपक्ष कटघरे में खड़ा हो सकती है, विपक्ष पर सवाल खड़े हो सकते हैं और सत्ता पक्ष जो है वो नेशनलिज्म राष्ट्रवाद के नाम पर इसको जरूर करना चाहेगी कि भारतीयता का पुट जहां पर भी हो भारतीयता के प्रतीक को क्यों ना आगे बढ़ाया जाए। भारत नाम बदलने से किसी को क्या आपत्ति होगी, इस बात का जो है, इस बात का पुरजोर जो है वो पक्ष रखा जाएगा केंद्र सरकार की तरफ से। और जाहिर सी बात है विपक्ष के पास बहुत ज्यादा तर्क नहीं मिलेंगे, फिर भी देखना होगा कि विपक्ष के तेवर कैसे रहते। हालांकि देखिए जयराम रमेश ने ट्वीट करके ये जरूर इस पर विरोध दर्ज कराया है क्योंकि G20 के लिए जो राष्ट्रपति के तरफ से डिनर के लिए जो आमंत्रण लेटर भेजा गया है, इन्विटेशन लेटर भेजा गया है, उसमें प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा गया है, यानी कि इसकी शुरुआत जो है वो कर दी गई है। उस पर जयराम रमेश जो कि मीडिया हेड है कांग्रेस के, उन्होंने विरोध दर्ज कराया है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। तो यानी कि इस पर राजनीति जो है, राजनीति की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन इतना तय है कि किस तरीके से विपक्ष इसको काउंटर करेगी ये देखने वाली बात होगी। बिल्कुल अनूप, एक जानकारी ये भी आपसे जानना चाहूंगी, जैसा आपने जिक्र किया कि एक विशेष सत्र बुलाया जाएगा, तो क्या इस विशेष सत्र में प्रश्नकाल रखा जाएगा? क्योंकि अगर प्रश्नकाल रखा गया तो विपक्ष की ओर से सियासी घमासान संसद में भी होगा। बिल्कुल, आपको बता दूं कि ये सत्र का आयोजन किया जा रहा है और इस जो 5 दिनों का सत्र स्पेशल सेशन जो सरकार ने बुलाया है उस पर किसी भी तरीके से क्वेश्चन आवर नहीं रखा गया है। देखिए जो हम लोगों के पास बिजनेस एडवाइजरी आई हुई है उसमें क्वेश्चन आवर का टाइम नहीं है, तो ऐसे में इस चीज का विरोध तो पहले से विपक्ष कर ही रहा है, लेकिन सत्ता पक्ष की तरफ से और संसदीय कार्य मंत्रालय की तरफ से ये कहा जा रहा है कि चूंकि ये स्पेशल सेशन है ऐसे में जरूरी नहीं है कि इसमें क्वेश्चन आवर रखा जाए। ये एक सामान्य जो है वो सामान्य संसद का सत्र नहीं है, तो जाहिर सी बात है इस पर सरकार अपने तरीके से कुछ बड़ा फैसला लेने के लिए सत्र का आयोजन किया हुआ है। और जिस तरीके से संसदीय कार्य मंत्रालय, यानी कुल मिलाकर ये कहा जाए अनूप की सबकी नजर 18 से 22 सितंबर तक उन 5 दिनों पर रहेगी जब ये विशेष सत्र बुलाया जाएगा, और अब देखना होगा कि अलग अलग नामों से जाना जाने वाला हमारा ये देश क्या सिर्फ भारत नाम से अब जाना जाएगा, और इंडिया का जो दंश हम झेल रहे हैं क्या उसको हम हटा देंगे। बहुत शुक्रिया आपका तमाम बातचीत के लिए। तो चलिए।